ये क्या है? ये मेरा एक पार्सल है, ये आप अनबॉक्स कर दो। नहीं ये क्या सीन है यार, हर रोज पार्सल पार्सल पार्सल। मेरे हिस्से का रिस्क आ रहा है, मैं उड़ा रही हूँ, तुमको क्या मसला है? गलत है ना, ये 14 अगस्त के लिए डिजाइन किया जा रहा है, 14 अगस्त को पता थोड़ी देर तक आने वाली है। तो गाइस देख के बताना, मेरी अम्मा बोल रही थी मैं सीखूं, कैसा लग रहा है मेरे थोपड़े के साथ। क्योंकि महीने में 30,000 से ज्यादा मुझे बताओ चैलेंज है, 3 महीने अगर विन कर दोगे ऐसा सरप्राइज मिलेगा, ऐसा सरप्राइज मिलेगा, हैरान परेशान हो जाएंगे सारे। बताएं आपने क्या खाना? तुम्हारा अब्बा जो है ना वो मुझे 30,000 का टारगेट देके गया, और उसके ऊपर से औलाद अपनी देख लो, बिलाल साहब बर्गर फ्राइज ये वो ये काम है लोगे हैं। तो गाइज ये मैंने ट्रे से जा ली है भैया बाजी के लिए, भैया बाजी काम हो गया भाई, अभी हम लोग चैलेंज देख मतलब कंप्लीट करके देखेंगे कि हमें मिलता क्या है, सरप्राइज में पता चले दूसरी बेगम उठा के ले आए। लोग बताना आप लोगों के एरिया में कौन सी जो है ना वो मशहूर डिश है, हमारे यहाँ पे तो जाना बिरयानी बहुत मशहूर है। टूर करवाए, होम टूर करवाए, मैंने बड़ा इग्नोर किया, मगर अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, अगर आप लोग वाकई चाहते हो कि मैं आप लोगों को अपना नन्हे मुन्ने घर का होम टूर करवाऊँ तो जरूर आप लोग मुझे कमेंट में बताना, अगर कमेंट ज्यादा होंगे तो मैं जरूर करवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, उम्मीद आप तो सारे ठीक ठाक होंगे, हम भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जबरदस्त। तो सुबह का टाइम है, बेगम साहब को सुबह सवेरे उठाया, बेगम जल्दी उठ जा मैंने काम पे जल्दी जाना है और मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार कर। कहती मियां जाके चीजें तो ले आ, मैंने कहा चलो उसके बाद जाके नाश्ते की मैं चीजें लेके आ चुका हूँ, आज इनका हाथ भी पहले से बेहतर है और आज हमें नाश्ता जी घर पे बना के देने वाली है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब हमें कटा के इन्होंने काम स्टार्ट कर लिया है और हम लोग यहाँ पे नाश्ते बना रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये हाथ सही होने की बात बता रहे हैं, हाथ इतना सही नहीं हुआ मगर इस बंदे की वजह से मैं सही करना पड़ा है। मोमो के कहते हैं बाहर से खाने लाना पड़ रहा है, इतने पैसे लग रहे हैं, इतना ये हो रहा है, अनहाइजीनिक फूड आ रहा है, तो भाई मुझे करना पड़ा। भाई बात ऐसे है, अगर आप पैसे लगा के अगर बाहर से कोई अच्छी चीज नहीं लेके आ रहे तो कोई फायदा नहीं है, आपकी सेहत खराब होगी, इससे कोई फायदा नहीं है। इस वजह से आप घर पे बैठ के अच्छी अच्छी चीजें बनाएं और खुद भी अच्छी चीजें खाएं और अपने बच्चों को भी अपने मियां को अच्छी चीजें खिलाएं। अगर और तो बात सुनो आप लोग भी ना, आप भी अगर बाहर से खाने ज्यादा मंगवाती तो प्लीज इसे ब्रेक लगाएं, बाहर की चीजें किसी ना काम की होती है, कभी कभार खा लेना अच्छी बात है, ये डेली डेली बाहर से चीजें खाना अच्छी बात नहीं है। मैं तो अपनी बेगम ये बता दूं, लेकिन बेगम क्या हो गया भाई, क्या हो गया, कौन से ध्यान दे दिया मैंने? ज्ञानी बाबा मेरी बात का सुनो, कौन से आपको मैंने रोजाना के खिला दिया मुझे ये बता दो, कौन सा मैंने रोजाना का खिलाया? मैं सिर्फ नाश्ता मंगवाती हूँ बाहर से, बाकी मैं खाना घर पे बनाती हूँ, ठीक है, सिर्फ रोटियां मंगा दिया, बोलोगे पीछे क्या रह गया? तो सच्ची बात है ना, नाश्ता मतलब सुबह सवेरे उठता है साथ ही बाहर जाके खाने मैंने वो जो आप अपने दोस्त के ढाबे से लाते हो, ठीक है, वो अपने घर में बनाता है, उसकी मदर बना के देती है। तो भाई वो भी लोग भी बनाते हैं, तो आपका कोई काम नहीं बनता, डेली डेली बाहर से मंगवाओ, बस कभी मंगवा लेंगे नहीं तो उनका काम चलेगा, उनका चल देगा और बंदे काफी ज्यादा चलाने वाले हैं, आप ना भी करें। देखो हमें ना घर के खाने ज्यादा पसंद है, प्लीज आप घर के खाने ज्यादा बनाया करें अपनी बड़ी। मेरे बाप बताओ मुझे ब्लेम कर जा रहे, मैंने क्या जानबूझ कैसे किया? अच्छा बात सुनो भाई, ठीक है, नाश्ता तैयार करो, नाश्ता तैयार करो, टेंशन नहीं लो, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती से दे। तो गाइस हमारे पास बहुत मतलब अंडा बहुत मजे का बना हुआ है, साथ में चाय आ गई, साथ में हमारे पास ब्रेड आ गई, जल्दी से हम नाश्ता करते हैं। आपने अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज लाइक फटाफट करें। अच्छा बेगम साहबा एक चीज बताओ, आपका अभी तक नाश्ता खत्म नहीं हुआ? नाश्ता मेरा खत्म हो गया, आपकी औलाद के नहीं समझ आ रही क्या चाह रही है औलाद आपकी? तो मुझे एक चीज बता दो, ये क्या है? ये मेरा एक पार्सल है, आप अनबॉक्स कर दो। नहीं ये क्या सीन है यार, हर रोज पार्सल 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 क्या कर रही है? जो मैं गैस कमाता जा रहा हूँ और इसका काम है उड़ाते जाना, माना इसके हिस्से का रिजक है, इसके नसीब से रिजक आ रहा है, लेकिन ऐसे उड़ाने वाली काम ऐसे तो गलत बात है ना। क्या बदतमीजी है? नहीं बदतमीजी वाली क्या बात है, आप खुद ही ख्याल करना चाहिए ना, मेरे हिस्से का रिजक आ रहा है, मैं उड़ा रही हूँ, तुमको क्या मसला है? सही है जी, हम कमाते जा रहे हैं, आपका हिस्से का रहे, आराम आराम से बंदा को इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे नहीं। दूसरी रखी हुई जिसके ऊपर जाके निछावर करना है, क्या मसला है भाई? जब दूसरी आएगी ना वो अपना हिस्सा लेके आएगी, वैसे भी कहते हैं औरत के कहते हैं औरत के नसीब से रिजक आता है, एक औरत आ रही है उसके नसीब का एक रिजक आ रहा है, दो आएंगी एक के नसीब का पड़ गया, दूसरे। अच्छा ड्रामे नहीं ज्यादा करो, खर्चे करना बंद करो। तो गाइस अभी ना ठीक है, मेरे ना दिमाग में एक प्लान आ गया है कि मैं बेगम को चैलेंज देने वाला हूँ। चैलेंज ये होगा, अगर ये 3 महीने 90,000 रुपए से निकाल देंगी, हर महीने का 30,000, तो मैं इन्हें इंशाल्लाह ताला एक ऐसा बड़ा सरप्राइज देने वाला ना, जिंदगी में कभी ना देखा होगा ना सोचा होगा, इतना बड़ा सरप्राइज होगा। मुझे बताएं अभी है आप इस... देखा होगा सोचा होगा, क्या दूसरी बेगम तो नहीं मेरे सर के ऊपर लेके आने? मैंने आपको सरप्राइज देने के बारे में बात की है, अगर आप देने के बारे में नहीं बात मेरी बात याद रखिए, चैलेंज आपको अगर कबूल है तो बताए मुझे, महीने के अंदर 30,000 से गुजारा करना है, खाना पीना बच्चों देख बाबू नहीं खाना नहीं खाना पीना बच्चे की फीस दूध वगैरह सारा कुछ ये नाश्ते में स्कूल देखो मैं स्कूल की फीस मैं दे लूंगा, ट्यूशन की फीस आपके है, बताओ मेरे को मंजूर है या नहीं? किराया मैं दे लूंगा, मंजूर है? बिजली का बिल, गैस का बिल मैं दे लूंगा सारा कुछ, आपने खाना पीना बच्चों की फीसें दूध शुद्ध ये वो सारा खान पीना करना है, कर लोगी महीने में 30,000 से ज्यादा मुझे बताओ चैलेंज है, 3 महीने अगर विन कर दोगी ऐसा सरप्राइज मिलेगा, ऐसा सरप्राइज मिलेगा, हैरान परेशान हो जाएंगे सारे। बताए मेरे को हाँ बताओ जल्दी बोलो, 90,000 है उसका नहीं दे रहे महीने का वो पता क्या कह रहे तो गाइस जी ने ठीक है हाथ पैर पै चुके थे की करना की नहीं करना समझ आ नहीं रही, अगर ठीक है मेरी बात सुनो डन करे मेरे डील डन करे पहले। अब
क्या चूतिया बस ने मारकर फेर दिया। अच्छा यार मुझे पहले बता, ठीक है और साफ हो जाएगा, टेंशन नहीं है, बता मेरे को चैलेंज तुम्हें कबूल है या नहीं कबूल, जल्दी से बता, मेरे पास टाइम नहीं था। सरप्राइज क्या होगा भाई, सरप्राइज बताने वाला थोड़ी है ये, तो जब 3 महीना विन करोगी आपको सरप्राइज ऐसा मिलेगा इंशाल्लाह, आप हैरान परेशान हो खुश हो जाएंगी। अगर 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 फेल होगी तो, अगर आप फेल होगी तो फिर भी आपको ऐसा सरप्राइज मिलेगा, फिर भी आप हैरान परेशान हो जाएगी, लेकिन उसके ऑपोजिट, ठीक है ये बात याद रखिएगा। अगर विन है डील डन करो, नहीं है तो अभी बताओ मेरे को क्या करें। मुझे मैं इतने दूंगा 90,000 3 महीने का, हाँ या ना, जल्दी बता, टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है मैंने काम पे निकलना, बता जल्दी, कोई चक्कर नहीं ऐसा। अगर 30,000 पे गुजारा करना मैंने बता दो, 30,000 रुपया कम नहीं है, हर दिन का 1,000 रुपया 30,000 बहुत ज्यादा पैसे देखा गया, 1,000 रुपया बंदा अस्तगफिरुल्लाह, हर दिन का सब्जी इतने में आ जाती है। ओ भाई जो बोला अगर है तो बता, नहीं है तो मुझे जल्दी बता, टाइम नहीं मेरे पास। और अगर किसी महीने में 31 दिन हो गए तो फिर भाई मैंने बस बोल दिया 3100-2800 जो पे मैंने बोल दिया, जो आपको बात मंजूर है तो बता दे, जल्दी बताएं टाइम नहीं है। गाइस आप लोग बताओ क्या करूं, क्या करूं, आप लोग जब तक कमेंट में बताओगे तब तक व्लॉग अपलोड हो जाएगा। चलो डन है, निकाला 30,000 नहीं बता, मैं तुम्हें रात को निकाल के देता हूँ गाइस, जिसके साथ हमारी बात डन होगी। आप लोग गवाह रहना, आप लोगों ने ये लाइव कैमरा लाइव बात हो रही है, अगर ये विन होगी तो इंशाल्लाह सरप्राइज अच्छा देंगे, अगर ये ना विन हुई तो याद रखिएगा वो भी एक सरप्राइज है, और ये वो इसे हैरान परेशान कर देगा, परेशानो परेशान कर देगा, ठीक है, ठीक है मेरी जान। वगैरह दूसरी शादी करेगा अब्बा, दूसरी शादी हमारी, दूसरी शादी कर लेगा, हमारी 30,000 30,000 जमा करके सारे करके जाके मैं घर लेके आऊंगी, फिर मैं बता रही मैं दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अबे वो सरप्राइज है, छोड़ो जो भी है ना, तो गाइस आप लोग गवाह है इस बात के, और बहुत मजा आने वाला है, हर दिन की वीडियो ये शेयर किया करेगी, और क्या क्या उस कितना खर्चा दिन के करती है आप लोग डिस्कस करके वैसे भी करेगी। ढेर सारा राशन है तो वो आपकी मर्जी है, जो भी आपने करना है, इससे ऊपर हम कुछ भी नहीं देने वाले। मुझे टिप दे देना बजट वगैरह में, ताकि जीतने ना देखे कौन सा सरप्राइज इन्होंने तैयार किया। तो इन्होंने जिंदगी में कभी इस तरह का, ठीक है ये बजट प्रोग्राम कभी किया नहीं है, फर्स्ट टाइम करने लगी है बेटा जल्दी, और फर्स्ट टाइम ये करने लगी है, देखो इनसे विन होता ही नहीं। आप प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो अपनी बहन को टिप देने के लिए। ऐसा करना है, अगर मतलब मामा ने 30 दिन में 30,000 कर लिए तो आप पूरा 1 महीना घर में कुछ खाना करो। नहीं नहीं बस बोल दिया, खाने के छोड़ो, जो बात बोलनी थी बोल दिया बस। चलो जी लेट्स गो, चलो अनबॉक्सिंग भी होने लगी है, चलो जी ये मैंने मंगवाया। अच्छा 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 ये वो है जो, अच्छा ये गाइस एक समझ नहीं आई चीजें मेरे को ना, ये दिखाती है ना जानू, ये देखो ये वाला कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, उनमें अगर मैं गलती से बोल दूं ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं बोल ये ठीक है, मैं बोल दूं ये दूसरे से अच्छा लग रहा है, तो वो चीज ऑर्डर कर दी जाती है। अभी मेरे को ये दिखा रही है, मुझे एक बार बताओ ऑर्डर कर दी जाती है, एक मिनट मसाज बाद में दे लेना भाई, मेरे बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछ रही हूँ इसका मतलब यही है ना कि आई वांट टू बाय दिस, खरीदना चाह रही हूँ। मुझे क्या पता यार तू खरीदना चाह रही, मुझे तो ऐसे मैं क्या दिखा रही है, ये देख कैसा, ये कैसा, ये कैसा, मुझे क्या पता, बाद में पता चले तो ठीक है हो गया प्लान। तो चलो ये इसका सूट आ चुका है, ये मेरे हेयर आई थिंक ये जैसा कलर है ना, ये 14 अगस्त के लिए डिजाइन किया जा रहा है, क्योंकि 14 अगस्त में आपको पता थोड़ी देर तक आने वाली है। तो गाइस देख के बताना, मेरी अम्मा बोल रही थी मैं सीखूं, कैसा लग रहा है मेरे थोपड़े के साथ, ये बढ़िया था गुरु, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा ना, इसीलिए तो मंगवाया। तो रेडी हो जाओ, वेलकम बैक हो गया, और मुस्तफा साहब ट्यूशन चले गए, और नन्हे मियाँ को आज मैंने नहलाया तो उनकी आंखों में पड़ गया साबुन, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत जो है ना हंगामा मचाया कि भाई मेरी आंखों में साबुन डाल दिए, यूँ उनके आंसू जा रहे थे क्योंकि इनका शैम्पू खत्म हुआ है जो है ना आंखों में आंसू नहीं देता, मगर आज मैंने बड़ों के साबुन से नहला दिया जिसकी वजह से मेरी बैंड बच गई। ठीक है अभी यहाँ पर अभिया बाजी पढ़ रही है, क्या कर रही है, हेलो अभिया बाजी क्या कर रही है, मैं नहीं बताऊंगा, ये मुझे लग रहा है अपनी गुड़िया को पढ़ा रही है, तो गुड़िया क्या है, गुड़िया का नाम है, इन्होंने गाइस गुड़िया का नाम रखा है, क्या नाम रखा है, तो गुड़िया के कपड़े जो है ना वो फटे हुए हुए हैं, फटे पुराने, तो ये मैंने सोचा कि जो मेरे कपड़े आए हैं ना नए वाले उनमें से जो कपड़ा बचेगा उससे मैं गुड़िया के कपड़े बनवा दूँ। ठीक है क्या कहती है गुड़िया, तो आपकी तरह लग रही है, आपकी तरह लग रही है, प्रिंस वाली बनाऊँ, ये प्रिंस है, प्रिंसेस नहीं है, प्रिंस है, ये प्रिंसेस वाले बना लेंगे, हम इसको 14 अगस्त वाले कपड़े ना पहना दें, धीरे धीरे भूल, यहाँ पे तो हिलने लग गया काका, पटाखा बजा देगा काका हमारा, भाई आप पहले खुद पढ़ लें बाजी, ये अच्छा अच्छा आप लिख रही हैं, और अच्छा अच्छा लिखें, चलें शाबाश, इसको ऐसे यहाँ पे बिठाओ ना, ये देखती है तुम्हारा, इसका नाम है गाइस जन्नत, और जन्नत को यहाँ पे आप बिठाएं, जन्नत देख रही है आप काम कर रही हैं, और आप मुझे बताएं आपने क्या खाना, तुम्हारा अब्बा जो है ना वो मुझे 30,000 का टारगेट देके गया, और उसके ऊपर से औलाद अपनी देख लो बिलाल साहब, बर्गर फ्राइज ये वो ये काम है लोगों के, हैं दाल रोटी पे रहेंगे तो तब 30,000 में गुजारा चलेगा, नासा थल्ले कर लो, कोई नहीं है बर्गर बर्गर, चलो ज्यादा मस्के ना मारो, और गाइस ये पता नहीं इसको एलर्जी हुई भी, हाथ पे दिखाओ सर, दिखाओ तो दिखाओ ना, मैं कुछ नहीं कर रही, शक्ल देखो इस बंदरिया की, दिखाओ ये देखो, ये इसको एलर्जी हुई है, छोटे छोटे दाने बने हुए हाथ के ऊपर, ये सारे दिखते नहीं है, दिख रहे हैं हल्की हल्की, ये इतने सारे दाने पड़े, ये दाने पड़े हुए,
तो अभी इसके लिए भी डॉक्टर का अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है। और जो है ना अभी मैं जाकर तुम्हें अंडा बना के देती हूँ, साथ में मैं तुम्हें ब्रेड देती हूँ, साथ में मैं तुम्हें चाय बनाती हूँ। ओके चल निकल यहाँ से, बर्गर खाना। नहीं बर्गर नहीं खाना, तेरे पेओ ने क्या है कि 30,000 में गुजारा करो। चिप्स मैंने बनाने हैं आलू मटर, तो मेरे पास आलू फ्री के नहीं है, आज मैंने आलू मटर बनाने का प्रोग्राम बनाया। अगर इनको 30,000 में गुजारे करवाने हैं तो खाएं फिर ये दाल और सब्जी, कोई गोश्त नहीं है, कोई बर्गर बर्गर नहीं है। कितनी एक्टर है यार ये, डायरेक्टर हम ही हैं। अच्छा सुन बात सुन, ना तेरी ना मेरी एक्टर। अच्छा बात सुनो ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, डील देती हूँ। डील में क्या मिलेगा आपको, ये देखें गाइस माशाल्लाह भैया के बाल माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, देखें ये इतने हो गए हैं बाल इसके माशाल्लाह। मैंने कटाने बंद किए हैं ना, आप लोगों ने ये कहा था कि अभी आगे जो ना बाल ना कटाएं, इसके बाल बड़े करें, तो मैं अभी इसके बाल बड़े कर रही हूँ। देखिए मोहतरमा से संभाले तो जाते नहीं है, हर टाइम मुंह पर डाल के बंदरिया बनी हुई होती है। बाल अच्छे हो रहे हैं इनके माशाल्लाह से, प्यारे हो रहे हैं बाल। दिखाओ तो सही ना, ऊपर मुँह दिखाओ यार, हाँ इतनी देर में इन्होंने आंसू भी निकाल डाले, दिखाओ। अच्छा क्या खाना है मुझे बताओ, बर्गर के अलावा कुछ? चिप्स खाने हैं, तेरा दिल है फिर आलू मटर ना बनाऊँ मैं। अभी आप मेरी एक बात मानो, मानोगी ना मेरी प्यारी बच्ची है ना, मेरे गाइस देख रहे हैं कह रहे हैं कितनी गंदी बच्ची। चलो मामा की एक बात मान लो, आपको मज़ेदार संडा केचप के साथ खाने वाला मैं बना के देती हूँ, साथ में मैं भी आपके खाऊंगी ना। अभी चिप्स से पेट नहीं भरता मेरा, भूख लग रही है ना, तो बाल में नाक पे आ रहे खारिश आ रही। बताओ चलो मैं इससे पूछती हूँ, जन्नत आप बताओ आप चिप्स खाओगी? ये लो ये मोहतरमा आलू लेके भी आ गई। जन्नत कह रही है मैं चिप्स नहीं खाऊंगी, ये देखो कह रही नहीं खाऊंगी, यार कोई इज्जत ही नहीं है घर में। ये देखो जन्नत कह रही है मैं चिप्स नहीं खाऊंगी, वो कह रही है मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। उसका सारे नहीं। अब उससे पूछा अंडा खाओगी तुम, कह रही हाँ खाऊंगी, हाँ खाऊंगी। नहीं खाओगी ना? खाऊंगी, खाओगी, खाऊंगी मैं, कैसी गंदी अम्मा हो तुम। चलो चलो तुम मेरी दोस्ती नहीं हो, निकलो यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग बनाते हैं कुछ, यार मान लिया ना, मान लेना अल्लाह के वास्ते मान लेना, ये सब्जी है मेरे पास। आजकल के बच्चे डीट हम डीट हैं एक। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, ब्रेड भी बना लेते हैं, अंडा भी बना लेते हैं, साथ में थोड़े से चिप्स भी बना लेते हैं। ओके ये सारे आलूओं का नहीं मैं बना सकती भाई, बस दो का बनाऊंगी, और कितने हैं? दो हाँ बस वो बना लूंगी, पका लूंगी मैं बस ये आलू, दो आलू का इसको चिप्स बना के लेती हूँ। अपनी जान के ऊपर से अजाब डालती हूँ, वो जो है ना मुहतरमा बैठी हुई है कि मुझे जो है आलू की चिप्स ही चाहिए। तो गाइस वेलकम हो गया, स्वागत हो गया आप लोगों का हमारे किचन में। ऐसी कोई बड़ी डिश बनाना नहीं बनी, नहीं जी अब बस बस एक मैं आपके खातिर बना लूँ, ज़्यादा फ्री नहीं होगा। तो गाइस हम जाते हैं आलू को छीलते हैं, काटते हैं, पकाते हैं और मोहतरमा को देते हैं। अच्छा तो गाइस ये मैंने ट्रे से जा ली है भैया बाजी के लिए। भैया बाजी काम हो गया हैं, और यहाँ पे जो है ना नन्नी मखलूक भी मेरी जा गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हैं, क्या कह रहे हो गंजो? आप ही साहिबा खाना स्टार्ट कर दिए, जाके हैंड वॉश करके आए पहले, उठ जाएं शाबाश। ऐसे हाथों के साथ जम्स भी लगाए होंगे और खा रही होंगी आप, ठीक है? तो आप जाएं जल्दी से हैंड वॉश करके आए, और आपको नन्नी मियां हम खिला देते हैं। ये लो बिस्मिल्लाह ए रहमान ए रहीम, ये लो जी, ये इनके जो है ना दांत सामने के जो है ना टूटे में शहीद हुए हुए दांत हैं इनके, जिसकी वजह से चक्की नहीं मार सकते। बाकी अभी अबाजी बताओ दुआ दो माँ को, कैसा बने? मजे का जादू है। तो गाइस हमारी फिर से लाइट चलेगी, और अभी आप बगैर उसके खा रही है केचप के, केचप मैं आपको लाकर देती हूँ, साथ में आपके अंडा भी बना दिया। अब खाने के टाइम आपको गुड़िया याद नहीं आई अपनी हैं? सो गई है, खाने का टाइम इन्होंने गुड़िया को सुला डाला, सुलाया भी कैसा है ये देखो, टुंडा करके सुलाया भी। तो चलो भाई बैठो आप, ये लो अभिया आप और आपका भाई खाओ, मजे उड़ाओ, और जो है ना साथ में मैं भी खाती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी जो है ना चाय बनाई हुई है, ऐसी बात है ना। तो गाइस मेरी भी चाय बनी हुई है, चाय जो है ना वो तो मज़ेदार होती है भाई, उसके बगैर तो मज़ा नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा मैं चाय लवर नहीं हूँ, मगर हूँ सही एक्सट्रीम लेवल की चाय लवर नहीं हूँ, मगर चाय लवर हूँ। ये क्या किया है? तो गाइस मेरी औलाद ऐसी है कि केचप के पीछे पागल हुई है, ये देखो ऊपर भी डाला और साइड पर भी डाल दिया, वो खाएगा? वो देखो देख के हैरान हो रहा है, कह रहा आप ही ये क्या कर डाला है तुमने। तो भाई अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं, अल्लाह ताला बहन भाइयों का प्यार जो है ना हमेशा कायम दायम रखे, क्यों जी? तो गाइस ये मजे मजे खाते हैं, साथ में मैं भी खाती हूँ। आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और आप बताना आप लोगों के बच्चे भी ऐसी प्यार मोहब्बत करते हैं आपस में। बड़े वालों का अक्सर जो है ना 36 का आंकड़ा होता है, मतलब फट्टेबाजी हो जाती है इनकी, मगर छोटे वाले के साथ कुछ भी कर ले छोटा, मगर उसके साथ लड़ाई नहीं करनी इन्होंने। One hour later. Guys, welcome back हो गया, और ये देखें ये मेरे मैंने जो सूट मंगाया हुआ था ना 2 पीस था ये, और मैंने इसको श्रिंक कर लिया है आराम फोन से, मैंने सो जाना वो पानी में सोख करके मैंने बाहर डाले रखा है तार पे, और अभी ये श्रिंक हो गया। तो अभी जो है ना मेरी मॉम आई है, मॉम को आजकल छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को ना पता हो तो वो एक वर्किंग वुमेन है, ठीक है? तो इसलिए उनको छुट्टियां चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा टाइम जो है ना वो जाके अपने
नाती और जना नवासियों के साथ जाके स्पेंड किया जाए। तो अभी हमारी मोम जो है ना वो बिरयानी पका रही, कहा हमने आज आलू मटर पकाने थे, कहा मोम ने आज हमें बिरयानी खिला डाली, ये देखो जी, ओए होए होए होए, ये देखो, ये देखो यहाँ पे जो है ना चावल उबल रहे हैं। तो भाई अगर आप लोग अपनी मोम से प्यार करते हो, मैं भी अपनी मोम से बड़ा प्यार करती हूँ, अगर आप लोग अपनी मोम से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट में लिख देना आई लव यू मोम, मोम से जो है ना प्यार का इजहार करो, कमेंट भर डालो, ठीक है। और नन्हे मियां तुम अपनी मोम से प्यार करते हो, तुम्हें तो बस अपने खाने पीने से प्यार, और ये देखो कैसे इसने मेरा फोन सजाया हुआ है, और गंजू ये देखो, गंजू देख रहा है अपने जैसा गंजू, ये देखो मेरा फोन इन्होंने रखा हुआ है कहाँ पे, प्लेट में, प्लेट हो गई है खाली, अब आपने अपने खा लिए स्नैक्स, अब हम लेके जा रहे हैं वो, अब यह बाजी खुद बाहर चली गई है अपने दोस्तों से खेलने, और ये उनकी जो है ना वो जन्नत पड़ी हुई है ऐसे, जन्नत तुम्हें क्या हो गया जन्नत, ऐसे तुम फुंडे में बाल लेके पड़ी हुई हो, क्या हो गया। तो गाइस यहाँ पे मेरी मोम जो है ना उस एप्पल्स लेके आई है, छोटे छोटे एप्पल्स, ये एप्पल की आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, एप्पल की स्टोरी ये है, एप्पल वो एप्पल फोन वाला एप्पल नहीं है, इस एप्पल की स्टोरी ये है कि जब मैं छोटी होती थी ना बिल्कुल चुन्नी मुन्नी नन्हे मियाँ की तरह, तो मेरी नानी अम्मा और मेरी अम्मा ऐसे एप्पल लेके आती थी चुन्ने चुन्ने, जो मेरे हैंड्स में आ जाए ऐसे मैं पकड़ लूँ, ठीक है। तो ये चुन्ने चुने एप्पल्स को देख के मुझे वो बात याद आई है, मगर क्योंकि मेरे नन्हे मियाँ नहीं खा सकते, इनके दांत आगे के टूटे हुए हैं, पता नहीं क्यों उनमें कैल्शियम की कमी होती है, लड़कों में मेरे जो बेटे हैं ना उन दोनों में कैल्शियम की कमी होती है, तो उनके आगे के दांत पता नहीं क्यों टूट जाते हैं, अभी आप आजी के दांत सलामत है, शायद वो अम्मा पे चली गई हैं, ऐसी कोई बात है। बाकी जो है ना एप्पल्स की स्टोरी मैंने आप लोगों को सुना दी, आज हमारी फिर से पार्टी होने वाली है, क्योंकि पहले मेरे भाई ने बिरयानी बनाई थी, आज मेरी मोम बिरयानी बनाई थी, बाहर आप लोगों सिटी की आवाज़ आ रही है, तो अभी हाँ बाजी सिटी लेकर आई है 14 अगस्त पे, 14 अगस्त पे आज़ाद हो गया, हमने बहुत बड़ा काम किया था, बहुत बड़ा काम किया था, इसलिए हम लोग जो ना बाजे बजा बजा कर सीटियाँ बजा बजा के 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो अभी मोम या तुम मुझे सी के दोगी यार कपड़े, हाँ जी, तो मेरे कपड़े भी मेरी मोम सियेंगी, दर्जी वर्जी को कोई नहीं देने वाले हम लोग, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, और जो है ना जब हमारे कपड़े भी बिल्कुल सिल जाएंगे तो फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। और अभी जो है ना 30,000 वाला चैलेंज भी करना है भाई, वैसे बड़ा जिगरा चाहिए इस चैलेंज को करने के लिए, क्या कहती हो लेडीज, जितनी महंगाई है आप लोगों को क्या लगता है 30,000 गुजारा करवा देगा, मुझे तो नहीं लगता, वैसे आजकल बिस्ती बड़ी लग रही है, ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करो तो ब्लाउज आपका मुंह ऐसे गुब्बारे की तरह फूल जाता है, बोलते हैं भाई ऑनलाइन शॉपिंग ना करो, फलान ना करो, धमाक ना करो, तो भाई अभी हम लोग चैलेंज देख मतलब कंप्लीट करके देखेंगे कि हमें मिलता क्या है, सरप्राइज में पता चला दूसरी बेगम उठा के ले आए, ऐसा तो नहीं होने वाला ना, पता भी कोई नहीं है। तो गाइस 30,000 वाला चैलेंज हम जरूर एक्सेप्ट कर लिया है, तो करने की कोशिश जरूर करेंगे। Few minutes later. लो गाइस वेलकम बैक, हो गया बिरयानी हमारी जो है ना दम लग चुका है, तैयार हो गई है, आज की बिरयानी जो है ना मेरी मामा ने बनाई है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दम हमने उखेड़ दिया, हम इसको मिक्स करेंगे, ये लो जी, ये देखो कितनी जबरदस्त लग रही है, बहुत ही यमी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, आ हा मज़ेदार। और जो है ना मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो इसकी लेयर्स हैं वो सारी जो है ना मिक्स हो जाए, अच्छे से मसाला जो है ना इसका मिल जाए। आप लोग बताना आप लोगों के एरिया में कौन सी जो है ना वो मशहूर डिश है, हमारे यहाँ पे तो जो है ना बिरयानी बहुत मशहूर है, पंजाब वाले जो है ना अक्सर जो है माइंड नहीं कीजिएगा बाकी पुलाव को बिरयानी कहते हैं, मगर बिरयानी जो है ना वो कराची की खास है, बाकी पुलाव जो है वो पंजाब साइड का अच्छा होता है, मगर बिरयानी यहाँ की कराची की बहुत मशहूर है। अभी हम लोग थोड़ा सा चस्का लगाएंगे, बाकी मर्द हज़रात अभी आए कोई नहीं है, तो जाना नन्हे मियाँ को खिलाएंगे, बाकी खुद खाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आलू, आलू ना हो तो मेरे घर वाले तो खाते नहीं, ओए मेरा दुपट्टा कहाँ लटका हुआ है देखो जरा, मेरी नज़र में नहीं आया, हिसाब लगाओ, यूँ धमाके होते रहते हैं क्योंकि किचन ज़रा सा छोटा है जिसकी वजह से बर्तन यहाँ से वहाँ गिरते रहते हैं। अभी मैं थोड़ा सा लूँगी यहाँ से थोड़े चावल, उसके बाद एक चुन्नी मुन्नी बोटी, बड़ी बोटी हम बाद में निकालेंगे, अब चुन्नी सी बोटी लूँगी, और ये नन्हे मियाँ के लिए, इसके अलावा साथ में जो है ना हमारी मोम ने रायता भी तैयार करके रखा हुआ, रायता फ्रिज में पड़ा हुआ है, उसके लिए ज़रा दही कम है तो दही हम लोग जो है ना मंगवा लेंगे, और अभी जो है हम लोग इंजॉय कर रहे हैं साथ में ड्रामा, और साथ में हम लोग जो है ना खा रहे हैं बिरयानी। अच्छा ये देखो जी भूख लगी हुई है जी, सख्त भूख लगी हुई है जी, अच्छा खाओ खाओ खाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लो आ करो, ये लो जी हम, तो भाई भूख लगी हुई है, साथ में हम लोग ड्रामा देख रहे हैं, साथ में जो है ना इंजॉय कर रहे हैं बिरयानी, आप लोग भी इंजॉय करें हमारे ब्लॉग को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करें। A few moments later. लो जी अभी आप बाजी कुछ लगवा के आई हैं, स्टिकर्स लगवा के आई हैं आप, ये देखो जी एक डोरेमोन, तो ये दिल दिल पाकिस्तान, तो ये जो है मीनारे पाकिस्तान, चेहरा दिखाएं आप अपना, कायदे आजम बनवा के ले आई हैं, हैं कहाँ गई थी, कहाँ से बनवा के लाई, ये नीचे अपने घर के सामने दोस्तों ना, घर के सामने दोस्तों से लगवा के लाई, थोड़ी झंडी आ गई है, झंडियाँ देखे छोटी हैं थोड़ी सी, चलो आपको ना बाबा को मैं बोलूंगी, बाबा आपके जो है ना जब आपको चीजें दिला के लाएंगे ना तो फिर इस तरह की भी चीजें साथ में पेंट वाला भी ले आएंगे, ठीक है ठीक है। अभी हाँ बाजी अब मत जाइएगा बाहर, सुन रही हैं,
दानों की जगह अल्लाह जहाँ पे तुम्हें एलर्जी हुई थी वहाँ पे तुम ये बनवा के ले आई हो यार। बाबा आते हैं, मैं बाबा को कहती हूँ मेरी बेटी को ना डॉक्टर को दिखाएं एलर्जी हुई है। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइस ये बंदा आ गया है काम से, इस बंदे ने अभी रोटी छोटी खानी है। वैसे तो हमें लिफ्ट ही कोई नहीं है, ठीक है, मगर कोई बात नहीं, भूखा बंदा जब आता है। तूने बताया क्यों नहीं पहले तूने बिरयानी बनाई है? ये देखो घोंसला नहीं लग रहा, ये देखो चिड़िया का घोंसला। तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कॉल पे बता देता है। आज तुम्हारी सासू माँ ने बिरयानी बनाई है और वाकई कमाल की बनाई है। नहीं बता, तूने एक बात मेरे को बता, तूने पहले क्यों नहीं बताया? ये देखो गाइस कितनी मजे की लग रही है, वाओ मुंह में पानी आ रहा है। क्या होता, तुमने क्या करना था? यार बात ऐसी है, मैं बेल पूरी खा के आया हूँ, पूरे 50 रुपए की। मोन मोन के नासा तोड़ दिया 50 रुपए की, ऐसे चटपटी, मैंने बोला ऐसे ना बना चटपटी, मिर्चे डाल के सुबह निकालते हैं, पेट में दर्द हुआ है। बड़ी बेल पूरी 50 रुपए की खा के मुझे पता था। अच्छा आपस की बात है, सर पे क्या चिड़िया बिठाई थी? अबे हेलमेट पहना हुआ था यार मैंने, हेलमेट पहना था बुता। चलो फिर तुमने तो खानी नहीं ना। तो गाइस बिरयानी है, तो गाइस कोई नहीं, खानी वानी इसने बस। क्यों छोड़ दो, क्यों नहीं? मैंने अपनी मॉम के साथ आधी प्लेट खाई, फिर मैंने आधी भूख छोड़ी। मैं कहा तुम्हारे खाएंगे ना, मैं 50 रुपए की भेलपुरी खा गया, मैं 50,000 की नहीं खा गया भेलपुरी। क्या हो गया आपको मेरी जान? पेट बखाए आपका, ये देखो। तो बस सही है, बिरयानी खा लो। तो खाते हैं ना, मैं फ्रेश हो गया तो पहले बिरयानी खाते हैं। आप चैनल के ऊपर नए तो जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद। ये बात मैंने 10 दफा बोल दी ना, बात आपको बताऊं, और बात बताऊं गाइस आपको, ठीक है? आपकी बहन रेडी हो चुकी है, ये खुद जाया करेगी माशाल्लाह, जोर से सोडा सल्फ लेके आना होगा, जाएगी टीम की। मैं क्यों जाऊंगी, मैं अपने ब्रदर को कॉल में लाऊंगी, उसके साथ जाऊंगी, अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। तो ठीक है मेरी जाना, और साथ जाऊंगी, आज तक मैं अकेली गई हूं। नहीं नहीं तो कोई फिर? नहीं इर्द गिर्द जाना पड़ेगा, चली भी जाना, हर चीज आपकी। नो 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 नो, हम अकेला नहीं जाएगा, हमसे नहीं जाने होता। और आपने ठीक है लाजमी बताना है, क्या वाकई ना ये चैलेंज आप विन कर सकते हैं? तो गाइस मैं आप लोगों को ऑनलाइन हिसाब दूंगी, मैं बोलूंगी मैं 10 रुपए की टमाटर लाई, 15 रुपए की ये लाई, 20 रुपए की ये लाई, वैसे इतना मिलता नहीं है, ठीक है? कोई इस बंदे को कमेंट में बताओ 30,000 में कैसे घर चलेगा? क्या हो गया, 30,000 में चलता है घर, क्यों नहीं चलता? हमको सिखा रहा है। तो गाइस वेलकम बैक, हो गया बिलाल साहब ने खाना वाना खा लिया, उसके बाद अपनी रील एंजॉय कर रहे हैं, ये देखो। हेलो, कोई लिफ्टा शिफ्टा कोई नहीं है। तो गाइस अभी हम लोगों ने आप लोगों से लेनी है इजाजत, मगर उससे पहले हम लोग आपसे पूछते हैं कि आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताना। मुझे बहुत से ऐसे कमेंट आए हैं कि जिसमें मुझे बोला गया कि भाई अपना होम टूर करवाएं, मैंने बड़ा इग्नोर किया, मगर अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, अगर आप लोग वाकई चाहते हो कि मैं आप लोग अपना नन्हे मुन्ने घर का होम टूर करवाऊँ, तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट में बताना। अगर कमेंट ज़्यादा होंगे तो मैं ज़रूर करवाऊंगी होम टूर, अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग होम टूर करना चाहते हो तो मुझे बताना क्या कर रहा है लड़का, देखो ज़रा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? आप लोगों से लेती इजाजत, घर मेरा छोटा मोटा सही है, मगर आप लोगों की फरमाइश के ऊपर मैं होम टूर इंशाल्लाह ताला जरूर करूँगी, मगर कमेंट ज़्यादा करना, ठीक है? जितने वोट होंगे उतना ज़्यादा मुझे जल्दी वीडियो आएगी, ठीक है? तो अभी आप लोगों से लेती इजाजत, अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो इसको कीजिएगा लाइक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।